हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग qapedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉजिटिव टेस्टिंग एंड नेगेटिव टेस्टिंग। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉजिटिव टेस्टिंग एंड नेगेटिव टेस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टेस्टिंग एंड नेगेटिव टेस्टिंग। इसमें हम दो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और वॉट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, और फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन और फिर क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग एंड नेगेटिव टेस्टिंग। सो पॉजिटिव टेस्टिंग या नेगेटिव टेस्टिंग को डिस्कस करने के पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग के एग्जाम्पल्स देख लेना चाहिए। तो हम हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या मानते हैं कि हम एक फील्ड एज्यूम करते हैं, एक फील्ड है एक वेबसाइट में जो कि क्या एक्सेप्ट करती है, ओनली नंबर्स एक्सेप्ट करती है, और जो नंबर्स की रेंज है वो भी 0 to 9 के बीच होनी चाहिए। तो अब अगर हम सपोज इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए टेस्ट केस लिखना चाहें तो उसके लिए जो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो होगी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंगली 6 टेस्ट केसेस हम लिखेंगे। सो वो 6 टेस्ट केसेस क्या होंगे, वो सारे बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर बेस होंगे। सो -1 जो नंबर है ये इस फील्ड में अलाउ नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अलाउड। 0 उस रेंज में आता है तो इट शुड बी अलाउड। 1 शुड बी अलाउड क्योंकि वो भी उसी रेंज में आता है। 8 नंबर शुड बी अलाउड क्योंकि वो भी उसी रेंज में आता है। 9 शुड बी अलाउड एंड 10 शुड नॉट बी अलाउड। ओके, सो एज पर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस 6 टेस्ट केसेस आए। अब अगर हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की बात करें तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अकॉर्डिंगली 3 टेस्ट केसेस हम लिखेंगे। कोई भी वैल्यू लेस देन 0, मान लो -5, तो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए हमें। वी शुड नॉट बी एबल टू एंटर दैट नंबर इन द फील्ड। कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 to 9, मान लो 4, तो दैट शुड बी अलाउड, वी शुड बी एबल टू एंटर दैट नंबर। एनी वैल्यू मोर देन 9, कोई भी वैल्यू 9 से ऊपर लाइक 16 नंबर, सो दैट ऑल्सो शुड नॉट बी अलाउड, वी शुड नॉट बी एबल टू एंटर दैट नंबर ऑल्सो। सो इस तरीके से 3 टेस्ट केसेस यहाँ पर और 6 टेस्ट केसेस यहाँ पर, तो टोटल 9 टेस्ट केसेस हम लिखेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर सिनारियो को टेस्ट करने के लिए। सो अब यहाँ पर कुछ सिनारियो या कुछ टेस्ट केस ऐसे थे जहाँ पर हम कह रहे थे कि नंबर शुड नॉट बी अलाउड, और कुछ सिनारियोज में नंबर शुड बी अलाउड। तो जहाँ पर भी हम कह रहे थे कि नंबर शुड नॉट बी अलाउड, उस टाइप के टेस्ट केस को हम कहते हैं नेगेटिव टेस्ट केस, और उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं नेगेटिव टेस्ट टेस्टिंग। और जहाँ भी हम कह रहे थे कि नंबर शुड बी अलाउड, सो उस टाइप के टेस्ट केस को हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट केस, और टेस्टिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग। नाउ अब अगर हमें और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है लॉगिन फंक्शनैलिटी का। तो अगर हमें लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है किसी भी एप्लीकेशन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिसीजन टेबल टेस्टिंग टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। डिसीजन टेबल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और वो टेबल का जो नाम होता है डिसीजन टेबल, क्योंकि ये हमें हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते टाइम पे जब हम ये टेबल बनाते हैं तो टोटल 4 टेस्ट केसेस निकल के आते हैं, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, 3 एंड टेस्ट केस 4। ओके, अब टेस्ट केस 1 में हम क्या करते हैं, हम ट्रू यूज़र नेम एंड ट्रू पासवर्ड, मतलब करेक्ट यूज़र नेम एंड करेक्ट पासवर्ड के लिए लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। तो जब हम करेक्ट यूज़र नेम और करेक्ट पासवर्ड के लिए टेस्ट करते हैं लॉगिन फंक्शनैलिटी को, तो हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल होता है। फिर हमारा टेस्ट केस नंबर 2 है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉल्स यूज़र नेम मतलब इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड ट्रू पासवर्ड मतलब करेक्ट पासवर्ड, इसके लिए जब हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो जो हमारा लॉगिन है वो फेल हो जाता है। फिर हम एक टेस्ट केस 3 को टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट केस 3 में हम क्या लिखते हैं, ट्रू यूज़र नेम मतलब करेक्ट यूज़र नेम, फॉल्स पासवर्ड मतलब इनकरेक्ट पासवर्ड। तो जब हम इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए लॉगिन को टेस्ट करते हैं तो हमारा जो लॉगिन है वो फेल हो जाता है। फिर टेस्ट केस 4 में हम क्या करते हैं, हम इनकरेक्ट यूज़र नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड, फॉल्स यूज़र नेम फॉल्स पासवर्ड देते हैं, तो यहाँ पर भी जो है हमारा लॉगिन वो फेल हो जाता है। तो अब जहाँ पर भी हमारा लॉगिन सक्सेसफुल है
उस टाइप के टेस्ट केस को हम कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट केस या पॉजिटिव टेस्टिंग, और जहाँ भी हमारा लॉगिन फेल हुआ है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टेस्ट केस या नेगेटिव टेस्टिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद पॉजिटिव टेस्टिंग और नेगेटिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। सो अभी अगर हमें पॉजिटिव टेस्टिंग या नेगेटिव टेस्टिंग को डिफाइन करना है तो अब ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए उनको डिफाइन करना। सो वॉट इज पॉजिटिव टेस्टिंग एंड वॉट इज नेगेटिव टेस्टिंग, अगर इसको डिफाइन करना है तो पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होती है? व्हेन वी परफॉर्म टेस्टिंग ऑन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ वैलिड इनपुट डेटा, जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं विथ वैलिड इनपुट डेटा, वैलिड इनपुट डेटा के साथ, तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग। तो पॉजिटिव टेस्टिंग में हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम वैलिड इनपुट डेटा यूज करते हैं। और व्हाट इज नेगेटिव टेस्टिंग? तो व्हेन वी परफॉर्म टेस्टिंग ऑन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ इनवैलिड इनपुट डेटा, सो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं विथ इनवैलिड इनपुट डेटा, इनवैलिड इनपुट डेटा के साथ में, तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव टेस्टिंग। वो टेस्टिंग होती है नेगेटिव टेस्टिंग। ये हमने एग्जाम्पल्स में देखा भी था कि जब हम इनवैलिड इनपुट दे रहे थे, इनकरेक्ट यूजर नेम या करेक्ट पासवर्ड या फिर इनकरेक्ट यूजर नेम या फिर जो नंबर हम दे रहे थे कि -1 या 10, तो ये सब इनवैलिड इनपुट डेटा था, तो उस टाइम पे हम टेस्टिंग को क्या कर रहे थे? नेगेटिव टेस्टिंग। और जब भी हम वैलिड इनपुट दे रहे थे, अब देखो यहाँ पर जो फील्ड है वो जो नंबर्स एक्सेप्ट करती है वो है 0 to 9, तो इसके अलावा कोई भी जो इनपुट डेटा होगा वो होगा इनवैलिड, और इसके बीच में जो भी इनपुट डेटा होगा वो होगा वैलिड। तो -1 इनवैलिड है, 10 इनवैलिड है और 0 वैलिड है, 1 वैलिड है। तो जो भी वैलिड इनपुट डेटा है उसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो पॉजिटिव टेस्टिंग, और जो इनवैलिड इनपुट डेटा होता है उसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो होती है नेगेटिव टेस्टिंग। सो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग को। अब अगर हमें इम्पोर्टेंस देखनी है पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग की, तो पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके 3 रीज़न होते हैं कि हम 3 चीज़ें चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग में। पहली, सिस्टम शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड। सेकेंड है सिक्योरिटी पर्पस, एंड थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो द फर्स्ट रीज़न जो हम देखते हैं, सिस्टम शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, तो इससे क्या, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग जो भी हम करते हैं वो हम ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो एक्चुअली वही कर रहा है जो इससे एक्सपेक्ट किया गया है, जो भी हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं वही ये कर रहा है। तो वी शुड बी एबल टू लॉग इन इफ़ यू प्रोवाइड करेक्ट क्रेडेंशियल, वी शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन इफ़ यू प्रोवाइड रॉन्ग क्रेडेंशियल। तो जब भी हम करेक्ट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं तो हमें हमारे लॉग इन हो जाना चाहिए, लॉग इन फंक्शनैलिटी टेस्ट हो जानी, लॉग इन सक्सेसफुल होना चाहिए, और अगर हम रॉन्ग क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं तो जो हमारा लॉग इन है वो फेल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम ये टेस्ट करते हैं कि सिस्टम इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। फिर सिक्योरिटी पर्पस, हम सिक्योरिटी भी टेस्ट करते हैं। तो लॉग इन एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कोई भी इंसान रॉन्ग क्रेडेंशियल्स के लिए उसका जो लॉग इन है वो फेल होना चाहिए, लॉग इन शुड बी फेल्ड फॉर रॉन्ग क्रेडेंशियल। तो अगर हम नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोई भी अगर हमारे अकाउंट को एक्सेस कर लेगा रॉन्ग पासवर्ड के साथ, तो हमारा जो अकाउंट है वो सिक्योर नहीं रहेगा। सो सिक्योरिटी और सेफ्टी चेक करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग करना चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो हमने हमारे पूरे फील्ड वाले एग्जाम्पल में देखा था जहाँ की जो हमारी फील्ड थी वो केवल 0 to 9 नंबर एक्सेप्ट करती है, तो अगर सपोज तो जो और जो रेस्ट ऑफ द नंबर से वो एक्सेप्ट नहीं करती या वो अलाउड नहीं है, तो मान लो हम नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करें, और अगर हम नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करें और जो फील्ड है वो सारे के सारे नंबर एक्सेप्ट करती है, तो क्या होगा? जो हमारा सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि तो जो कैपेसिटी होती है उस सिस्टम की वो केवल 0 to 9 तक नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए बनाई जाती है, बट जो हमारा फील्ड है वो सारे के सारे नंबर्स एक्सेप्ट कर रही है, 0 to 9 और उसके अलावा और भी नंबर्स, तो क्या होगा? जो हमारा सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए नेगेटिव टेस्टिंग करना चाहिए। अब हम देखते हैं समरी ऑफ द सेशन। सो समरी ऑफ द सेशन में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, देन हमने एग्जाम्पल देखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग के, फिर हमने देखा व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, और उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। और आज का जो क्वेश्चन है सेशन का वो ये है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन से
कोई भी नेगेटिव टेस्टिंग का एक एग्जांपल दो। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर जाके ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू।